Assalamualaikum friends, how are you? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। मटन पुलाव की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। प्लीज मेरी रेसिपी के तमाम जो पार्ट्स हैं उन्हें जरूर फॉलो करें, अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को गौर से सुने और हर स्टेप को फॉलो करें। इंशाल्लाह चावल बहुत मजे के बनेंगे और पुलाव खाने का मजा आ जाएगा। आज लेट्स गो टू आवर रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। आज हम बनाएंगे पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे गोश्त ले लिया है, ये हाफ के जी के करीब गोश्त है। इसमें हम लोग ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसकी यखनी निकालेंगे। सबसे पहले यखनी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़ीरा, ये मैंने ज़ीरा 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ये सौंफ है ये 1.5 टेबल स्पून है, ये 3 बड़ी इलायचियाँ, ये छोटी इलायचियाँ 4 से 5, ये कुछ लौंग हैं, ये लहसुन है और ये दालचीनी थोड़ी सी। इन सब चीज़ों को डाल के हम गोश्त में तो इसकी यखनी निकालेंगे। ये देखिए मैंने पानी को पहले से ही पकने के लिए रखा हुआ है, तो इसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और ये सारा गोश्त भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको डाल के तो इसको हम अब पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे, वेट लगाएंगे प्रेशर में जब ये बन जाएगा। अगर आप प्रेशर में वेट नहीं लगाना चाहते तो फिर आप इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। ये ऑलमोस्ट 1 आवर में ही गलेगा गोश्त जो है, तो इसलिए आप इसे प्रेशर कुकर में बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है, टाइम की बचत हो जाती है। तो प्रेशर कुकर में हम इसे बनाएंगे, तकरीबन ये 20 मिनट लेगा और ये गल जाएगा गोश्त। जी गाइस देखें, अब हम यहाँ पे पुलाव को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 3 से 4 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं उन्हें काट के तो घी में डाल दिया। आप चाहें तो इधर घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए जैसे ही अपना कलर चेंज करने लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है, बस मैं भी आप लोगों के साथ यखनी भी दिखाती हूँ आप लोगों को जो तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज करेंगे ताकि ये जल्दी से कलर पकड़े और रेड हो। ऑयल मैंने हाफ कप डाला है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को तावलों में ऑयल ज़्यादा पसंद होता है, इस वजह से आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मैंने तो हाफ कप ऑयल डाला है। रेसिपी को गौर से देखना है, हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, इंशाल्लाह चावल बहुत मज़े के बनेंगे। किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, कोई भी इंग्रीडियंट मिस नहीं करना, तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जितने के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने एज इट इज़ ही यूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे तड़का लगाते हुए ये चावलों के लिए यहाँ पे आप नमक मिर्च अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को रेड चिली वाले चावल अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को ब्लैक पेपर वाले चावल अच्छे लगते हैं। आप अपनी मर्जी से नमक मिर्च जो है वो अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं कि आपने काली मिर्च वाला पुलाव खाना है या आपने रेड चिली वाला खाना है, आपकी अपनी मर्जी है। तो चले हम अगले स्टेप तक के लिए ये जब तक होता है वेट करते हैं। जी फ्रेंड्स देखेंगे प्याज ने अच्छा सा कलर ले लिया है। अब मैं इसे बहुत ज़्यादा रेड नहीं करूँगी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कलर चाहिए होता है। अगर आप लोग ज़्यादा कलर लेना चाहते हैं चावलों में तो आप लोग इसको मज़ीद जो है वो रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही कलर चाहिए। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये प्याज ऐड कर सॉरी ये टमाटर ऐड करूँगी, जो मैंने 4 से 5 टमाटर हैं दरमियानी साइज़ के काट के दरमियान से काट के रखे हुए हैं, उनको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ मैं ना ये यखनी डाल दी, ये जो यखनी बनाई थी ना वही वाली डाल दी। और हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए
लीड को बंद करके तो रखेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखो टमाटर अब गल गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डालेंगे। ये जीरा है 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर है, 2 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून कटर मिर्च है। ये सारे 1 2 3 4 ये चारों इंग्रेडिएंट्स हम लोग चावलों में, चावल के मसाले में डाल देंगे। अब हम आंच थोड़ी सी धीमी कर देंगे, स्लो आंच पे हम लोग इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखिए ये क्रीम, ये दही हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 कप दही था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया, 1 पाव से थोड़ा ज्यादा ही होगा। ये हल्की आंच पे इसमें डालेंगे। अब हम थोड़ा सा आंच को, फ्लेम को तेज कर देंगे। आप लोगों ने देखा यखनी में भी मैंने जीरा ऐड किया और इसमें भी मैंने जीरा ऐड किया है। तो सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको आपने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना, कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो मिस ना हो, कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो, इंशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसे लिड बंद करके थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। मसाला भून चुका है, रेडी हो चुका है, ये देखें। अब इसके अंदर हम ये अपना गोश्त ऐड करेंगे। ये देखें यखनी में से हम लोगों ने ये गोश्त निकाल लिया था, ये गल चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जितने भी इसमें हड्डियां थी बोन्स, वो सारी मैंने सेपरेट करके ना तो निकाल दी, सिर्फ मैंने गोल गोल बोटियां जो है वो रहने दी हैं। हड्डियां सारी मैंने निकाल दी हैं क्योंकि उनका स्ट्रोक तो निकल चुका है, तो हमें स्ट्रोक ही चाहिए, हड्डियों की तो जरूरत ही है नहीं, इस वजह से चावलों में हम लोग हड्डियां ऐड नहीं करेंगे। वो तो सारी मैंने रिमूव कर दी हैं। अब हम इसे यहाँ पे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, फिर हम इसमें स्ट्रोक ऐड करेंगे अपना। फ्रेंड्स ये देखें गोश्त अच्छे से भून गया है, इसने मसाले को पकड़ लिया है। ये देखें सारा मसाला जो है गोश्त के साथ लग गया, इट मीन से ये डन हो चुका है। ये आप लोगों ने कोई भी चीज आप लोग कुक करें उसमें सबसे मेन जो, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो भुनाई का होता है। किसी भी चीज की भुनाई कर रहे हैं जब आप, तो उसे अच्छे तरीके से भुने। अगर उसकी भुनाई अच्छी हुई है तो आप लोगों की चीज जो है इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी बनेगी। किसी भी चीज की भुनाई हो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ये देखेंगे अब हमारा भुन चुका है अच्छे से गोश्त, वैसे ये हमारा गोश्त गल चुका था। ये देखें, ये देखें गल चुका होगा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसे यहाँ पे हमने गलाना नहीं है, यहाँ सिर्फ इसे भूनना है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे यखनी। यखनी मैंने मेयर करके तो ये रख ली है, ये देखें आपके सामने है। इसको अब हम पकड़ के तो इसमें डाल देंगे, ऐड करेंगे यखनी को। मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे, इसमें मैंने 3 ग्लास यखनी के लिए हैं। आप लोग जो भी कटोरा, जो भी बर्तन, जिस किस्म के ग्लास में आप लोग चावल मेयर करके निकालें, उसी ग्लास से आप लोगों ने, उसी बर्तन से आप लोगों ने पानी को मेयर करना है। अब हम यहाँ पे जोश आने तक रुकेंगे, पानी को जोश आ जाए।
पानी को जोश आ चुका है। अब हम इसके अंदर के चावल डालेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे, इनको ड्रेन कर लिया ये देखें, और हम इन्हें इनके अंदर डालेंगे। ये देखें चावल भी हमने डाल दिए हैं। अब हम इसे मीडियम हीट पे, मीडियम आंच पे हम लोग इसे कुक करेंगे जब तक कि ये एक कनी पे ना आ जाए, फिर हम इन्हें दम लगाएंगे। ये देखें गैस, ये चावल एक कनी पे आ गए हैं, अब हम इन्हें दम लगाएंगे। लेकिन दम लगाने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये देखें 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ मिल्क हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बहुत मज़े के नरम नरम बने और गले भी नहीं ज़्यादा, तो आप ये 1 कप ऑफ मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हिला देंगे, मिक्स करेंगे ताकि सब चावलों तक ये मिल्क ऐड हो जाए। अब हम इन्हें दम लगा देंगे, फिर आपके सामने फाइनल लुक इंशाल्लाह। हियर इज द फाइनल लुक।